एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर जिसे संघट प्राचाल हिंदी में कहते हैं और स्कैटरिंग एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन कोण, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यानी कि जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, ये कहाँ से निकल कर आया है? ये रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस रिलेशन से जो डेरिवेशंस निकलते हैं उन डेरिवेशंस को याद रखना होता है। उन डेरिवेशंस, अगर कोई सब्जेक्टिव आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर वो डेरिवेशन डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसको डेराइव करके बताइए, और अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल का जो बॉम्बार्डमेंट है यानी कि उसकी बौछार न्यूक्लियस के ऊपर कराई गई, वो न्यूक्लियस था जो किसका था, सोने का, यानी कि जो सोने की पन्नी ली हुई थी उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराई गई। उस एक्सपेरिमेंट में क्या निकल कर आया, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ 180 डिग्री पर घूम गए। तो जो डिफ्लेक्ट हो गए कहाँ से, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से जो डिफ्लेक्ट हो गए, तो डिफ्लेक्ट जहाँ से हुए और न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको नाम दिया गया इम्पैक्ट पैरामीटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो क्या होता है, देन हम उसके बाद इनके रिलेशन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है। इम्पैक्ट पैरामीटर को समझने के लिए मैं इस डायग्राम को दिखाता हूँ। पहले आपको ये डायग्राम देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं ऐसे। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो बिल्कुल इसके सीध में आया वो तो क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था, और जो इसके थोड़ा सा डिस्टेंस पर था वो यहाँ से निकलता यहाँ से बिल्कुल सीधा ना निकल कर यहाँ से एक डिस्टेंस पर ऐसे डेविएट हो गया, इस तरह से मुड़ गया। तो यहाँ ये जो अल्फ़ा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास से जो पार्टिकल डेविएट हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट हुआ, तो न्यूक्लियस और उसके बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, इम्पैक्ट पैरामीटर, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच म्यूचुअल रिएक्शन, म्यूचुअल जो अट्रैक्शन है, ये रिएक्शन नहीं आएगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल रिएक्शन की वजह से जो जीरो हो जाए, मतलब कि ये जो है यहाँ से ऐसे आके घूमा, और अगर ये सीधा निकलता तो यहाँ से मिनिमम जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस और इस पार्टिकल के बीच की, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच की, यहाँ से ये न्यूक्लियस है और ये अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे जा रहा है सीधा, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, यदि अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की जो म्यूचुअल रिएक्शन है वो जीरो हो जाए, म्यूचुअल रिएक्शन मतलब वो डिफ्लेक्शन ना हो और वो सीधा सीधा निकले, तो वह डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे लिखोगे वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिससे अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के सबसे पास से गुजरता है, नियरेस्ट से गुजरता है, तो यह डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। इम्पैक्ट पैरामीटर को हिंदी में कहते हैं संघट प्राचाल, और इसको डिनोट करते हैं किससे, बी से। ठीक है, वापस से एक बार बता दूं, ये अल्फ़ा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है यहाँ से, ये अल्फ़ा पार्टिकल चला यहाँ से ये डेविएट हो गया था। हम कह रहे हैं कि यदि ये जो डेविएशन है वो हो ही ना, जीरो है तो ये कैसे निकलेगा, सीधा निकलेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर, संघट प्राचाल। यह मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है सबसे पास से जो अल्फ़ा पार्टिकल इसके सीधा गुजरा, सबसे पास से जो इसके अल्फ़ा पार्टिकल सीधा गुजरा, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगी। ठीक है, होपफुली ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, अब स्कैटरिंग एंगल जिसको हम बोल रहे हैं। स्कैटरिंग एंगल का मतलब क्या है कि जिस एंगल से वो डेविएट हुआ, ऐसे ये सीधा चल रहा था, यहाँ से सीधा जा रहा था, अब यहाँ से ये मुड़ गया, ऐसे ये इस तरह से डेविएट हो गया, मुड़ गया। अब इस लाइन को मैं पीछे बढ़ाता हूँ, ये लाइन को मैंने ऐसे पीछे बढ़ाया, इस लाइन को पीछे बढ़ाया, तो हॉरिजेंटल के साथ जिसने जो एंगल बनाया, हॉरिजेंटल लाइन के साथ जिस लाइन पर ये पहले सीधा जा रहा था उसके साथ जो एंगल इसने बनाया, उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, स्कैटरिंग एंगल, यानी कि प्रकीर्णन कोण। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच म्यूचुअल रिएक्शन के कारण अल्फ़ा पार्टिकल अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो ना कर उससे डेविएट हो जाता है और एक हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करता है, और ये जो पाथ जिस एंगल पर ये डेविएट होता है उसे इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, थीटा, जिसको यहाँ पर मैंने दिखाया अभी। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन जो कि आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। आगे बात करते हैं,
हम ये मान लेते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v। तो किसी पार्टिकल के अंदर यदि मास है और वेलोसिटी है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर मोमेंटम भी होगा। हम ये मान लेते हैं कि जो पहले संग टक्कर के पहले, अब टक्कर का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकली टकराए, कोई बिल्कुल पास से भी निकल रहा है और फिर उसके जो पाथ है या उसके जो पैरामीटर्स उसमें चेंज हो रहा है तो उसको भी हम क्या कहते हैं टक्कर कहते हैं या इम्पैक्ट कहते हैं, है ना, या इसको कॉलिजन भी बोल सकते हो। तो हम ये मान लेते हैं कि जो टक्कर, और ये टक्कर जो है हम इसको मान रहे हैं कि पूर्णतः इलास्टिक टक्कर है, पूरी तरह से प्रत्यास्थ टक्कर है। तो टक्कर के पहले जो संवेग है वो P1 है और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो है P2 है। मैं फिर कह रहा हूँ कि टक्कर का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए, वो एक दूसरे के पास आकर और अपने पाथ से डेविएट हो जाएँ या उनकी वेलोसिटी, मास, जो भी पैरामीटर्स चेंज होने होते हैं वो चेंज हो जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं, यानी कि कॉलिजन या इम्पैक्ट कहते हैं। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल पहले यानी कि डेविएट नहीं हुआ था, डेविएट विक्षेपण से पहले जो इसका एंगल है, जो इसका मोमेंटम है वो कितना है, P1 है, और उसके बाद मोमेंटम कितना है, P2 है। क्योंकि जो नाभिक है, न्यूक्लियस, वो बहुत भारी है। तो इसको ऐसा मान लो कि आप एक ट्रक में टक्कर मारने जा रहे हो, तो आप भाग के आओगे दूर से, ट्रक पे टक्कर मारोगे तो ट्रक की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेहत पर किसकी पर फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो नाभिक है यानी कि न्यूक्लियस है बहुत भारी है और स्थिर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टक्कर के पहले भी और टक्कर के बाद भी उसका जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, P1 बराबर P2 बराबर MV रहेगा। ये हमने यहाँ पे लिखा भी है, इनिशियल मोमेंटम P1 और फाइनल मोमेंटम P2 है, और न्यूक्लियर स्टेशनरी और हैवी यानी कि स्थिर है और भारी है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का मोमेंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने जो मोमेंटम है इसको अलग अलग इस तरह से शो कर दिया, यहाँ पर मोमेंटम था P1, यहाँ पर मोमेंटम था P2, इसको मैंने इस तरह से शो कर दिया। और फिर इसके बाद मैंने इसी डायग्राम से ये डायग्राम बना लिया, यानी कि इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे, और यहाँ से फिर मैंने ये डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊँ तो ट्राइंगल लॉ से मेरे को वेक्टर लॉ से मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस डेल्टा P इज्क्वल्स टू किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा। P1 प्लस डेल्टा P इज्क्वल्स टू P2। आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं OAB, और उससे भी समझ सकते हैं कि OA प्लस AB बराबर क्या होगा, OB। यही तो होता है वेक्टर का, है ना, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, और ये रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। इसको आप रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा P इज्क्वल्स टू P2 माइनस P1 वेक्टर, P2 माइनस P1 वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा P बराबर कैसे लिखोगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस थीटा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम वेक्टर लॉ से लिख रहे हैं, ठीक है। कहाँ से लिख रहे हैं, वेक्टर लॉ से। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पर से लिख रहा हूँ। अब क्योंकि जो P1 है, P1 किसके बराबर है, MV, और जो P2 है वो भी किसके बराबर है, MV। तो यहाँ पर वैल्यू अगर रख दूँ तो डेल्टा P की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर m² v² + m² v² और ये कितना हो जाएगा, -2m² v² और cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कितना निकल रहा है, m² v² कॉमन आ रहा है, तो बाहर आकर कितना हो जाएगा, mv। तो बाहर आकर कितना हो गया, mv, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2 तो ये 2 हो गया, तो 2, और ये कितना हो गया, यहाँ से 1 और 1 2 तो ये 2 माइनस 2, mv बाहर चला ही गया तो ये कितना हो गया, cos थीटा। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो mv 2 जो है इसमें ब्रैकेट में ले लिया, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा, ये बन गया 1 माइनस cos थीटा। अब cos थीटा का जो फार्मूला है वो हमें पता है, क्या फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा इज़क्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी,
वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, पर यहाँ पर तो कॉस थीटा है, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये जो फॉर्मूला है अगर इसको यूज़ कर लूँ तो एम वी ये टू का टू और यहाँ पर वन माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू टू साइन स्क्वायर थीटा आएगी, तो वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। होपफुली ये जो चीज़ है समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा होगा, है ना, बहुत आसान है समझना इस चीज़ को, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर अगर एंगल टू थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ टू थीटा का हाफ हुआ थीटा, तो यहाँ पर थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई टू, ये किया है मैंने। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये बनेगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं एक बार, तो ये बनेगा डेल्टा पी इज्क्वल्स टू एम वी और अंडर रूट टू इंटू टू फोर, फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी टू एम वी और साइन थीटा अपॉन टू। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी तो अपना जो भी क्वेरी है डाउट है उसको कमेंट में लिख के भेजो, है ना, अगर मेरे को कुछ समझ में आता है तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, कुछ सवाल आपका जो समझने वाला होगा तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर हो गया संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन मतलब चेंज मोमेंटम में हो गया, अब मोमेंटम में अगर चेंज हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा, क्यों आएगा इम्पैक्ट वो भी देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो F है वो बराबर होता है किसके, डेल्टा डी एम वी, लिख देता हूँ उसको डी एम वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी टी। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी टी इज़क्वल्स टू डी पी, और डी पी का मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो पैरामीटर बना, इस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, इस पैरामीटर को हम कहते हैं इम्पल्स, क्या कहते हैं इम्पल्स। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आ रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर चेंज ऑफ मोमेंट आ रहा है तो उसकी वजह से क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। इम्पल्स किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अब क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या आना है, इम्पल्स आना है। तो इम्पल्स के लिए क्या चाहिएगा, फोर्स। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर है नाभिक, न्यूक्लियस है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, पास से निकल रहा है, पास से निकल रहा है, तो दोनों जब हमें पता है दो चार्ज है ना, दो चार्ज है तो उनके बीच में क्या लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा, दो चार्ज है तो उनके बीच में क्या लगेगा, कूलम फोर्स। परंतु दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब यहाँ पर भी जो चार्ज है वो प्लस में है और यहाँ पर भी जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का वो भी प्लस में है, तो यहाँ पर एक कूलम फोर्स लगेगा जो इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो ये जो कूलम फोर्स है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ गया होगा तो इसको दूर भगा दिया, इस डायरेक्शन में लग गया सीधा ऐसे। और जो मोमेंटम की डायरेक्शन है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, वो हमने देख ही ली कहाँ पर आ रही है, वो इस तरह से इस डायरेक्शन में आ रही है, वो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो इस डायरेक्शन को भी हमने यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया। मान लेते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है और फोर्स है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाई है, कितना एंगल है, फाई है। ठीक है, तो इस F इस लाइन के साथ कंपोनेंट बना रहा है, तो इसका मतलब इस पर एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, F cos फाई, कितना कंपोनेंट होगा, F cos फाई। तो मैंने कहा कि चेंज इन मोमेंटम है तो उसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इम्पल्स। तो जो इम्पल्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, F इंटू डेल टी, तो ये इम्पल्स हो गया F इंटू डेल टी, और ये किसकी वजह बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इंटीग्रेशन क्यों लगाया है, कुल मोमेंटम की वैल्यू हमने निकाल ली। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो F वेक्टर में है, अब ये वैल्यू इसके अलाउंग कितनी हो गई, F cos थीटा, तो इसको क्या लिख दोगे, F cos थीटा लिख दोगे। तो इसको वैल्यू को हम बराबर कर देंगे किसके, इसको बराबर कर देंगे F cos phi dt, और ये किसके, डेल P के बराबर। डेल P की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2mv sin theta by 2। तो इस वैल्यू को बराबर करो, तो इस वैल्यू को बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2mv sin theta by 2, और ये बराबर हो गया किसके, इंटीग्रेशन f cos phi और dt, इंटीग्रेशन f cos phi into dt। क्या करेंगे, ये जो dt है, इस dt को हम किस में बदलेंगे, phi में कन्वर्ट करेंगे। phi में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको, इस dt को मैं ऐसे लिख दूँ, dt ओवर d phi, और ये d phi, ऐसे लिख दिया, कर सकते हैं।
इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब d phi over dt क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो dt अपॉन d phi क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, b के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, f cos phi dt over d phi, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, d phi लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर cos phi लिखा है और हमें करना पड़ेगा इसका क्या, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो हमें जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्राइंगल बना था मोमेंटम वाला, उसमें हमने बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया ऐसे, है ना, लंब समद्विभाजक डाल दिया। तो ये पूरा एंगल कितने का था, थीटा का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू का। मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है, तो ये एंगल कितना होगा, 90। तो ये हो गया एंगल एक्स, हमें एक्स एंगल निकालना है। तो एक्स एंगल कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल बन गया पूरा ये वाला, तो ये ट्राइंगल बन गया, तो इस ट्राइंगल में थीटा बाई टू प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। और इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, यानी कि इसकी जो लिमिट लगेगी माइनस पाई बाई ये वाली टू से माइनस थीटा बाई टू से प्लस तक जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाएंगे इसकी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2mv साइन थीटा बाई टू, और इसकी हमने लगा दी लिमिट माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, और ये प्लस पाई बाई टू थीटा बाई टू तक, और ये कहाँ तक जा रहा है, एफ कॉस फाई और dt ओवर d फाई और d फाई, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिक्स तो कुछ भी नहीं चल रही है, यहाँ पर सिंपल कोरी चल रही है मैथ, और मैथ में भी क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैथ तुम लोगों की ठीक ठाक है तो ये चीज़ें तुम लोगों को आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब हम ये मान लेते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में इंस्टेंटेनियस जो डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट कंसीडर इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज आर, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, यानी कि कुछ ये कहानी हम मान लेते हैं, मैं कुछ ये मान रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है एन, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था ऐसे, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ये ऐसे सीधा निकल रहा था, यहाँ से ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई बी, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, वो है वी, और इंस्टेंटेनियस जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ आर, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ मैं आर। तो यहाँ पर अब क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम mvr बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पहले जो शुरुआत में मास है m, वेलोसिटी v, और जो रेडियस जो डिस्टेंस है वो r, बाद में कितनी है mvb, ये जो mvr है, ये जो mvr है इसमें v वेलोसिटी, क्योंकि एक एंगल पर घूम रहा है, एंगल पर घूम रहा है, तो v को मैं लिख दूंगा ओमेगा r, क्या लिख दूंगा ओमेगा r, इसको ये वाला r लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये बनेगा m ओमेगा r स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा m ओमेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू mvb, m से m मर गया, m से m मर गया, तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई कितनी, vb अपॉन r स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई, vb अपॉन r स्क्वायर। और ये जो ओमेगा है ये किसके बराबर होगा, dt ओवर d phi के, d phi ओवर dt के, किसके बराबर होगा, d phi ओवर dt, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, d phi ओवर dt, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है dt ओवर d phi, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि r स्क्वायर अपॉन vb। तो इस इक्वेशन के अंदर अब हम वैल्यू रख देंगे dt अपॉन d phi की,
जो कि वैल्यू कितनी है, VB अपॉन R स्क्वायर। तो फर्दर क्या चेंज करेंगे इसके अंदर, फर्दर हम चेंज करेंगे 2mv साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 और प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2 और ये हो गया एफ कॉस फाई और ये डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे आर स्क्वायर अपॉन वी बी और ये हो जाएगा कितना, डी फाई हो जाएगा। ठीक है, अब एफ जो था वो कौन सा फोर्स था, कूलम्ब फोर्स। सिंस एफ जो है वो कौन सा फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, और ये जो कूलम्ब फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वन जो है वो कितना है, जेड ई, नाभिक का जो चार्ज है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लस जेड ई, और जिस पार्टिकल से टक्कर कर रहा है वो अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज होता है टू ई, तो ये टू ई हो गया अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, टू एम वी साइन थीटा बाई टू और ये माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू और ये प्लस पाई माइनस थीटा बाई टू। ठीक, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एफ की कितना, टू जेड ई स्क्वायर के ओवर आर स्क्वायर और ये कितना हो गया, कॉस फाई कॉस फाई और ये कितना हो गया, आर स्क्वायर ओवर वी बी और ये कितना हो गया, डी फाई हो गया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे तो टू एम वी स्क्वायर बी ओवर टू जेड ई स्क्वायर के और साइन थीटा बाई टू और माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू और ये कितना, प्लस पाई माइनस थीटा बाई टू और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कॉस फाई और डी फाई। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन फाई और इसमें लगा देंगे लिमिट, तो साइन फाई और लिमिट कौन सी, ये माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू और ये कितना, पाई माइनस थीटा बाई टू ये प्लस का, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे लिमिट लगाकर तो ये बनेगा टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ से इनको सॉल्व सिंपल करोगे तो क्या कट रहा है, यहाँ से देखो दो से दो मर गया और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको फर्दर इसको रीअरेंज करोगे तो ये बनेगा साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू और यहाँ से ये बन जाएगा टू जेड ई स्क्वायर के ओवर एम वी स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा बाई, इसको इंटरचेंज कर दो, उल्टा कर दो, तो इसको लिख दिया कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, तो एम वी स्क्वायर बी पहुँच गया ऊपर और ये आ गया नीचे, टू जेड ई स्क्वायर के ये आ गया नीचे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, तो ये तो बन जाएगा कॉट थीटा बाई टू और के की जो वैल्यू है वो होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पहुँच गया ऊपर, ये ऊपर पहुँच गया, एम वी स्क्वायर बी, एम वी स्क्वायर बी ये हो गया और ये क्या आ गया, टू जेड ई स्क्वायर, क्या हो गया, टू जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एंगल में रिलेशन, किस किस में, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच में रिलेशन। ठीक है, दिस इज द रिलेशन रिलेशन बिटवीन डिफ्लेक्शन एंगल थीटा एंड इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये रिलेशन बन गया तुम्हारे पास, अब इस रिलेशन के अंदर ये जो हाफ एम वी स्क्वायर बाई टू है, इस एम वी स्क्वायर बाई टू को आप चेंज कर सकते हो कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में, ई में, यानी कि आप चाहो तो ये जो रिलेशन है इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉट थीटा बाई टू इक्वल्स टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया ई और अपॉन जेड ई स्क्वायर और बी। ठीक है, यहाँ पर जो ये ई है, ये ई किसके बराबर होगा, ई बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर के, किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक,
तो ये जो इक्वेशन है इससे हमें ये पता लग रहा है कि b की वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो जो थीटा की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यदि b की वैल्यू को हम ज़ीरो कर देते हैं तो उसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, पाई। यानी कि जो हमने पढ़ा था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल जो सीधा आएगा यानी कि नाभिक के सेंटर के ऊपर आएगा तो 180 डिग्री से लौट जाता है। तो क्यों लौट जाता है, इस रिलेशन के वजह से। इस रिलेशन से हमें ये पता लग रहा है कि यदि b की वैल्यू बढ़ती है तो जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना। सिंस फ्रॉम दिस रिलेशन वी गेट टू नो हमें ये पता चलता है कि बीटा b की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। b की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि b की वैल्यू कम होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यदि b की वैल्यू को हम ज़ीरो कर दें, b की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। b की वैल्यू को ज़ीरो करने पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। थीटा की वैल्यू पाई होने का मतलब है अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा, अपने पाथ पर वापस लौट जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल अपने पाथ पर वापस लौट जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये अगर न्यूक्लियस है और ये अगर अल्फ़ा पार्टिकल है तो ये अगर सीधा आ रहा होगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये कब, जब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्केटरिंग एंगल। होपफुली ये जो पूरा लेक्चर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो अपने जो डाउट है उसको कमेंट में लिखकर भेज सकते हो। मैं जैसे ही आपके कमेंट्स को देखूंगा, रिप्लाई कर सकूंगा तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, फिजिक्स के एग्ज़ाम की, उसके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।